तो यहाँ आपके पास अब आ जाता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको फिगर से नज़र आ रहा होगा कि आप लोग फाइल्स और फोल्डर्स में डाटा को डिवाइड कर देते हैं और उसके डिफरेंट फोल्डर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो डाटा को इजीली एक्सेस और रिट्रीव कर सकते हैं। अब फाइल्स और फोल्डर्स के ऊपर हम कौन सी ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं, हम उसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एंड फ्रॉम वन फाइल टू अनदर हम उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ऑपरेशंस हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्लियर। एंड फाइल एंड फोल्डर अब आपके पास किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेजेस हो सकती हैं, वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो कोई भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्सेज हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि कोई भी डिवाइसेस, वो सारी पेरिफेरल्स या फिर जो इंटरनल स्टोरेजेस होती हैं, कोई भी चीज़ ऐसी जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो, वो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं। अब रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है कि जितनी भी आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है, उन सबको मैनेज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी इन द बेस्ट स्टेट ऑफ योर हेल्थ। सो आई एम अमरीन फातिमा हियर एंड इट्स द लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा था, मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, इसको आप प्रिपेयर करेंगे। सो आज हम उसकी डिटेल करेंगे। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट वन इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वेटिंग। इन अ सेंस कि वो उसको ना पेंडिंग पे रख देता है कि अभी जो पहले हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो जब ख़त्म हो जाएगी तो देन इसकी बारी आएगी, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से इस प्रोसीजर से वो गुजर जाता है, फिर उसको वो एग्जीक्यूशन के स्टेप पे लेके आते हैं, यानी कि उस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी जो है वो जिस भी प्रोसेस के या फिर जिस भी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसने एग्जीक्यूट करना होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर लेता है। और देन टर्मिनेटेड का मतलब है फिर उसके बाद उसको एग्जिट कर देता है। अब इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोसेस मैनेजमेंट सबसे पहले क्या होता है। जब भी आप कोई कंप्यूटर को कोई न्यू चीज़ देते हो तो वो उसको मेमोरी में उसकी जगह बनाता है और जो वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उसकी एग्जीक्यूशन करता है। रिसोर्सेज हमने पहले भी डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताए थे कि रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो उनका जो प्रोसेस है या फिर उनका जो तरीका है वो उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करता है, कुछ भी हम उसको देते हैं और देन उसको टर्मिनेट कर देते हैं। उसके बाद आपके पास है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो इनपुट आउटपुट के नेम से ही क्लियर हो जाता है कि जो डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, उनको ये मैनेज करने के लिए। जिस तरह इनपुट डिवाइसेज हैं आपके पास, आपने पढ़ा होगा कि जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी दो यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल यूनिट और एक ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो वो क्या करता है कि इनपुट डिवाइसेस जितनी भी हमारे पास होती हैं, लाइक कीबोर्ड एंड माउस, जब भी हम उससे कोई काम करते हैं, कुछ भी, अगर मैंने कोई अल्फ़ाबेट अगर एंटर करना है तो मैंने उसको प्रेस कर दिया उस बटन को, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे मैनेज हो के तो देन आपको रिजल्ट शो होता है, ठीक है। उस पर कोई भी वो जो उस अकॉर्डिंग टू दैट कमांड और अकॉर्डिंग टू दैट डाटा जो भी आपने उसको दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग उस पर इम्प्लीमेंटेशंस करके डिफरेंट प्रोसीजर्स की, तो वो उसको प्रोसेस कर देता है मेमोरी में से गुजार के, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, आपको रिजल्ट बना के दे देता है। तो वो जो होती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस आपको रिजल्ट शो करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं, लाइक CPU है आपके, सॉरी मोनीटर। तो ये सारा काम जो है वो सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से हो रहा होता है कि आपका कोई पर्सनल डाटा हैक ना कर ले, ठीक है। अब आप लोगों ने याद क्या करना है कि चैप्टर नंबर 2 टॉपिक आपके पास है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फंक्शंस जो अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं ये आपकी बुक पे पेज नंबर 37 एंड 38 होगा। इसको आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से याद करना है और उसको लिखना है,